सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे आप लोग आरवीएनएल के नाम से जानते हो। तो रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर कल के दिन दो बड़ी खबरें आई थी, ठीक है। और दोनों खबरों के दौरान जो ना भी मैंने आपको बोला था कि लेवल्स वगैरह तो मैं आपको सुबह प्रोवाइड करवा दूंगा। आज जो हम इस वीडियो में 27 तारीख आज और आज इसके लेवल ही डिस्कस करेंगे, लेवल्स क्या हो सकते हैं। साथ में आप लोग देखोगे स्टॉक में आज के दिन एक बड़ा फॉल बन सकता है, और क्या पता मे भी ये 20% का जो इसकी सर्किट लिमिटेड 20% वहां पर जो शेयर है ये 20% का एलसी भी लगा ले। तो ऐसा क्यों होगा, तो आपको ये तो मैंने वहां पर भी बता दिया था, क्योंकि कंपनी ने कल के दिन अनाउंस किया था कि आज, ठीक है, 27 से 28 दिन, दो दिन के लिए आप लोग देखोगे ऑफर फॉर सेल कंपनी लेकर आई है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपने जो शेयर है वो बेचने जा रहे हैं। कितने क्वांटिटी बेचेंगे, 5.36% इक्विटी। जी हाँ, 5.36% जो इक्विटी है, अपनी टोटल हिस्सेदारी है, वो कंपनी के प्रमोटर्स बेचने जा रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। इसी की वजह से आप लोग देखोगे शेयर के अंदर एक बिग फॉल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपको करंट प्राइस क्या देखने को मिल रहा है, 134 रुपये के आसपास, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 3.5% की गजब की तेजी स्टॉक में बनी और वहां पर बंद होते हुए नजर आए हैं। तो ऑफर फॉर सेल में जो कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये आप लोग देखोगे कम से कम 119 के भाव पर शेयर बेचेगी। जी हाँ, कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो 119 के भाव पर शेयर बेचेंगे, यानी टोटली देखें तो लगभग 11 से 12% के डिस्काउंट पर ये कंपनी अपने शेयर बेचने जा रही है। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे ये शेयर हमें जो है एक बिग फॉल पर दिखाई देगा, और उन सब के चलते इस शेयर के अंदर एक हैवी सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और ये शेयर 20% के लोअर सर्किट भी लगा सकता है। तो यहां से हमें जो ना भी देखो मौका होगा वो आप छोटे निवेशकों के लिए, ठीक है। आज के दिन आप लोग जो 27 तारीख है, तो आज तो नॉन रिटेल जो है वही अप्लाई करेंगे, और कल के दिन जो ना भी रिटेलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 1.91% स्टेक शायद है जो रिटेलर्स के लिए भी अवेलेबल है, बट आज के दिन नॉन रिटेलर 27 और 28 दो दिन की ये ऑफर फॉर सेल होगी। इसके अंदर जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और अब भी आपको बता दिया भी किस रेंज में जो कंपनी वो ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है, 119 के भाव पर लेकर आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले 11% के डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो ना भी है ये झटका भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जो कंपनी के प्रमोटर वो अपना शेयर सेल करके बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने बात आती है इसके आज के लेवल्स क्या होंगे, तो चलिए जानते हैं। और दूसरी खबर क्या आती भी, 12 अगस्त को कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट लेकर आ रही है। सभी के सवाल और सभी के कमेंट आए थे कि रिजल्ट कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, तो रिजल्ट आ चुके हैं। 12 अगस्त को कंपनी रिजल्ट प्रस्तुत करेगी, और 3.65 करोड़ की हमें स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान वॉल्यूम भी देखने को मिली, जबरदस्त वॉल्यूम, जबरदस्त तेजी के साथ। तो चलिए अब देखते हैं अभी इसके आज के क्या हो सकते हैं चार्ट के ऊपर लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी ऑफर फॉर सेल के अंदर जो कंपनी है, कंपनी के प्रमोटर 5.36% स्टेक जो ना अपना बेचेंगे, उसके साथ आप लोग जो भाव रखा गया है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी 119 रुपये जो ना भी पर इक्विटी शेयर से कंपनी अपने शेयर बेच रही है। साथ में आप लोग देखोगे भी नॉन रिटेलर और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर फॉर सेल है। जैसा कि आप लोग देखोगे दिस द ऑफर फॉर सेल विल बी ओपन फॉर नॉन रिटेल एंड रिटेल इन्वेस्टर ऑन July 27 and 28 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 27 जुलाई को तो नॉन रिटेलर है, यानी आज के दिन आप लोग देखोगे नॉन रिटेलर जो है वो अप्लाई करेंगे, और कल के दिन रिटेल इन्वेस्टर जो ना भी वो अप्लाई कर सकते हैं 28 जुलाई को। और यहाँ पर जो ये अपडेट है वो मैंने आपके साथ पहले भी बता दिया। आप लोग जो देखो जैसे कि नॉन रिटेलर्स हैं इनके लिए 1.96% जो इक्विटी है वो रखी है, और बाकी जो बची है वो रिटेल इन्वेस्टर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके आज के लेवल। लेवल देखने से पहले अगर मैं बात करूं डाटा की, तो डाटा आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार आते हुए नजर आया, लगभग 93,000 क्वांटिटी आपको बाइंग के लिए देखने को मिल रही है, जबरदस्त ऑर्डर लगा हुआ बाइंग के लिए। अगर मैं बात करूं डिलीवरी पोजीशन की, तो यहां पर डिलीवरी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला, 21.5% के आसपास डिलीवरी पोजीशन रहा, जिसमें शेयर जो ट्रेड हुए हैं 3.48 करोड़ के आसपास, 71 लाख के आसपास जो डिलीवरी उठाई गई, डिलीवरी कम उठी है, बट एक बाइंग ऑर्डर आया हुआ स्टॉक में, एक अच्छे मूवमेंट, लेकिन ये तो हट भी जाएगा भाई आज ही। तो चलिए अब देखते हैं इसके लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर से रिकवरी के चांसेस थे, बट यहाँ पर जो शेयर है वो फिर से हमें टूटते हुए नज़र आएगा आज के दिन। अगर ये शेयर आपको जो ना भी 119 के नीचे में ओपन होते नज़र, 120 के नीचे में ओपन होते हुए नज़र आए, तो वो आप सभी निवेशकों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, एक बिग
आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के सामने आएगी, क्योंकि भाई जब इतनी बड़ी डिस्काउंट पर शेयर आएगा तो वो लेवल आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। या आई थिंक ये शेयर आपको जो नीचे में 110 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन 120 से नीचे में अगर ये शेयर ओपन होता है तो आपको जो ना भी एक थोड़ी क्वांटिटी इसकी अपने पोर्टफोलियो में ऐड आई थिंक करनी चाहिए, ठीक है। अगर 119 के नीचे में जाता है, 120 के नीचे में जाता है, तो वहाँ पर आपको जो है 115 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और उसके अंदर एक छोटी सी एंट्री लेनी चाहिए। और मे भी ये शेयर आप लोग देखोगे टूटने के बाद रिकवरी दे सकता है, या फिर 20% के अगर LC आई थिंक आपको जो है आज वेट ही करना चाहिए, ठीक है। आपको जो आज इसके अंदर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हैवी लॉसेज में अगर हैवी सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर बढ़ा तो 20% का LC लग सकता है। तो 20% का LC लगेगा, उसके बाद देखेंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पोर्टफोलियो में ऐड आपको आई थिंक करनी चाहिए। अगर 20% के गिरावट में शेयर आपको दिखाई दे या फिर उससे पहले अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में जबरदस्त रिकवरी बनेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। स्टॉक 150 प्लस पक्का निकलेगा। अगर ओवर साइज में कंपनी बेच रही है तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, इस शेयर के अंदर एक जबरदस्त मौका आपके लिए रहेगा। और ये शेयर फिर से आप लोग देखोगे Q1 रिजल्ट अच्छे आएंगे और वहां से जो शेयर फिर से रिकवरी देगा और ऊपर में 150 प्लस चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है सभी के लिए। इसे आप लोग जो ना भी अपना बैड लक मत समझा कि हमने स्टॉक खरीदा और ये कंपनी लेकर आ गई है, आपको बिल्कुल नहीं थिंकिंग करनी है। आने वाले टाइम में जबरदस्त तेजी स्टॉक में बनेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।